और उसको किसी और गिवन फ्रैक्शन के ऊपर हमने डिवाइड करना सीखना है एंड देन सेकंड इज सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशन इनवॉल्विंग डिविजन ऑफ फ्रैक्शन रियल लाइफ सिचुएशन मीन्स के आपके पास जो आप फेस करते हैं फ्रैक्शन रियल लाइफ में मीन्स के वर्ड प्रॉब्लम गई या कुछ चीजें इस तरह की जिनको हम लोग रियल लाइफ में फेस करते हैं उनको हम लोगों ने डिवाइड करना सीखना है अब आ जाए हमारे लेसन प्लान की तरफ ये टीचर्स के लिए है इसमें एक कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने 40 मिनट का लेसन जो है वो क्लास में डिलीवर करना है ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आ जाए असेसमेंट की तरफ जो क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि फ्रैक्शन क्या है वाट इज डिविजन ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन का आपको पता है ये मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया डिटेल से कि फ्रैक्शन क्या है पहले हम लोग देख रहे थे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन अब आपको पता होना चाहिए कि ऑफ़ फ्रैक्शन क्या है किस तरह हम लोग इसको डिवाइड करते हैं और हमें क्यों जरूरत है यह भी आपको पता होना चाहिए हम लोगों ने थ्री काइम्स पढ़ी थी फ्रैक्शन की प्रॉपर इम प्रॉपर एंड मिक्स नंबर अभी हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को इसमें डिस्कस करेंगे उ कैन वी डिवाइड गिवन फैक्शन हम जो है हमारे पास जो गिवन फैक्शन है उनको किस मेथडोलॉजी के तहत डिवाइड कर सकते हैं एंड देन वट डेड वी लर्न इन आर प्रीवियस लेसन हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेसन में क्या चीज स्टडी की थी हमने बेसिकली देखा था कि डिवाइड कैसे सॉरी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन को हमारे पास एक फ्रैक्शन और फिर उसको दूसरी फ्रैक्शन के साथ या फिर होल नंबर के साथ किस तरह मल्टीप्लाई कर, कर, किया जाता है वो चीज हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में सीखी थी अब आ जाए जो की वर्ड है या टुडेज कॉन्सेप्ट जो कि अभी हम लोग जिनके ऊपर फोकस करेंगे डिविजन ऑफ फ्रैक्शन ये चीज हम लोग देखेंगे And then, repeated subtraction of fractions, के जो मल्टीप्लीकेशन uh, थी वो अगेन एंड अगेन एक फ्रैक्शन को जो है हम लोग uh, add करने की बजाय करते थे। इसी तरह की uh, fraction को अगेन एंड अगेन पार्ट्स में डिवाइड करने की बजाय डिस्ट्रीब्यूट कर करने के जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन uh, का उसको हम लोग क्या कहते हैं डिविजन ऑफ फ्रैक्शन एंड देन रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कुछ स्पेसिफिक रूल्स देखेंगे जो फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं एंड देन प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था ऐसी फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर जो है वो स्मॉल हो सपोज आपके पास टू है ये नोमिनेटर है एंड देन डिनोमिनेटर जो है वो थ्री है तो ये क्या हमारे पास बन गई ये एक प्रॉपर <coughs> फ्रैक्शन बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास नोम ग्रेटर है सपोज हमारे पास ये फाइव है और denominator जो वह आपके पास so, इमर होती है, वो आपके पास improper होती है. Means के मीनोनेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर जो है वो लेस होता है प्रॉपर में क्या होता है नोमिनेटर लेस होता है और डिनोमिनेटर जो, जो होता है वो ग्रेटर होता है एंड देन मिक्स नंबर मिक्स नंबर क्या है देखे वन होल वन ओवर थ्री सो एक कंप्लीट नंबर एंड देन आ फ्रैक्शन जब इनको कंबाइन करके लिखते हैं तो वो मिक्स नंबर कहलाता है इसको हम लोग इम्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं अब आ जाए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के जो स्पेसिफिक रूल्स हैं वो क्या है जिनको फॉलो करते हुए आपने अपने क्वेश्चन या वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है देखें फर्स्ट रूल जो आपके पास गिवन फैक्शन राइट कर लेनी है कि जिससे आप इजी फील करें कि वाई सॉल्विंग यूर क्वेश्चन क्या करना है पुट द क्वेश्चन इनटू अ फॉर्म दैट यू कैन वर्क विद ऐसी फॉर्म में राइट करना है जहां पर आपने सॉल्व करना है उसको ठीक है देखें सपोज मेरे पास आ, अभी यहां पर टू ओवर थ्री है टू फैक्शन है इनको हम लोगों ने डिवाइड किसके ऊपर करना है वन ओवर टू के साथ आपने इनको इस फॉर्म में राइट करना है जिनके साथ आप इनको जो है वर्क कर सकें देखें क्या करना है डिवाइड करना है इस वर्क uh, फॉर्म में कैसे राइट करेंगे ऐसे वन ओवर टू अब सेकंड स्टेप क्या है दिस वॉज फाइंडिंग द रेसी प्रोकल ऑफ द सेकंड मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट फ्रैक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं इनको डिवाइड कर रहे हैं आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सी है ये वाली और सेकंड फ्रैक्शन कौन सी है वन ओवर टू वाली हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को डिवाइड करना है सेकंड फ्रैक्शन के साथ ये दोनों फ्रैक्शन जो है ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है क्यों क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो लेस है अब इसमें इस रूल के अंदर क्या बताया गया है इनवॉल्व फाइंडिंग द रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का मतलब है कि जो आपके पास सेकंड फ्रैक्शन है उसका जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर देना है कैसे ये देखें इस स्टेप में टू बाई थ्री को एज इट इज राइट कर देना है और इस जो डिवीजन का साइन है इसको आपने मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है एंड देन आपने इसको रिवर्स कर देना है ऐसे वन की जगह टू और टू की जगह वन राइट कर दिया तो अब ये जो आपके पास एक फ्रैक्शन बन गई है इस साइड पे जो सेकंड फ्रैक्शन है वो एक होल नंबर बन जाता है और उसको हम लोग इम्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं एक चीज आपने याद रखनी है कि कोई भी जो होल नंबर होता है वो ऑलवेज इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कंसीडर किया जाता है क्यों क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज वन होता है आपने एक चीज सोचनी है कि अगर किसी नंबर का या किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो आ जाए तो आपने वो फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी उसका रिजल्ट क्या होगा जिस तरह मेरे पास यहां पर टू ओवर जीरो में कर दूं तो ये क्या चीज बनेगी ये आपने सोचना है एट द एंड ऑफ दिस लेसन में आपसे पूछूंगा अब नेक्स्ट जो सेकंड आपके पास रूल आता है वो रूल देखें फॉलो द सेम प्रोसीजर एज वे डेट वेन मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन आपने रेसिप्रोकल राइट करने के बाद वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में फॉलो किया था क्या किया था ये देखें हम लोगों ने नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमारे पास क्या चीज बनी थी टू टू फोर एंड ओवर थ्री। तो ये आपके पास एक फ्रैक्शन बन गई थी जो कि इम्रॉपर फ्रैक्शन है अब यहां पर जाकर हमने देखना है कि यहां पर कहीं पे कैंसिलेशन होती है या नहीं होती अगर नहीं होती अगर आपकी इमप्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग मिक्स नंबर में चेंज कर देंगे ये आपका थर्ड रूल है देखें

मिक्स नंबर में राइट करना है या फिर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर देना है अब यहां पर आपका रिजल्ट क्या आता है फोर ओवर थ्री फोर ओवर थ्री जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे वो आपके पास वन होल वन ओवर थ्री ये आपके पास मिक्स नंबर में आ जाता है ये कैसे आता है फोर को आप थ्री पे डिवाइड करते हैं थ्री वन एंड थ्री एंड रिमाइंडर वन आ जाता है सो so, इस तरह आपके पास ये चीज मिक्स नंबर में आ जाता है अब आ जाए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर वहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह रियल वर्ड प्रॉब्लम बताई हुई है कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए आपने फोर स्टेप्स को याद रखना है फर्स्ट स्टेप रीड द प्रॉब्लम केयरफुली देन एंड देन प्लान टू सॉल्व प्लान क्या करना है कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है और वही रूल जो मैंने आपको बताए हैं एंड देन थर्ड वन इज सोल्यूशन एट द एंड यू विल हैव टू चेक द आंसर के आपने उस सोल्यूशन uh, को गोथ्रू करना है देखें इस स्टेटमेंट में क्या है वकार हैज अ पीस ऑफ वुड दैट इज थ्री ओवर फोर ऑफ अ मीटर इन लेंथ एक आप वकार के पास पीस ऑफ वुड है इतना आपके पास यहां पर फुल स्टॉप खत्म होता है तो फर्स्ट पार्ट यहां पे खत्म हो जाता है आपके क्वेश्चन का वर्ड प्रॉब्लम का अब आप देखें कि एक उसके पास वुड वुड का पीस है जिसकी जो लेंथ है वो थ्री बाय फोर ऑफ अर मीटर मीटर मीन्स के आपके पास अगर आपके पास हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं वन मीटर में तो सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर जो वुड वुडन पीस है वो करना क्या चाहता है वो देखें ही नीड्स टू कट इट इंटू पीसेस दैट आर वन ओवर सिक्सटीन ऑफ आ मीटर लॉन्ग वो इतने नंबर ऑफ पीसेस में उस जो बड़ा पीस है उसको डिवाइड करना चाहता है कि हर जो पीस है उसकी लेंथ आपके पास उसकी वन ओवर सिक्सटीन ऑफ आ मीटर होनी चाहिए वो कैसे डिवाइड करेगा वो हम लोग फ्रैक्शन रूल डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के रूल से चेक करेंगे देखिए नेक्स्ट हाउ मेनी पीसेस दैट वकार कैन कट नंबर ऑफ पीसेस फाइंड करने हैं। पर देखें, हैं और रिक्वायर्ड क्या है आपके पास एक लार्ज पीस ऑफ वुड है उसको आपने उस, बताना है कि वकार किस तरह वो कितने नंबर ऑफ पीसेज फाइंड कर सकता है देखें जरा सॉल्यूशन की तरफ आए पहले क्या करना है जो गिवन थिंग्स है वो राइट कर ले टोटल ऑफ अ मीटर वट यू हैव टू डू टोटल नंबर ऑफ पीसेस क्या फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ पीसेस इसके लिए हम मैंने आपको रूल बताया है जो गिवन फ्रैक्शन है उसको उस फॉर्म में राइट करना है यहां पर आप इजी फील करते हैं सॉल्व करते वक्त देखें थ्री ओवर फोर डिवाइडेड बाय वन ओवर सिक्सटीन रूल क्या है जो मैंने अभी आपको बताया था थ्री ओवर फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन ओवर वन यह बन गया फोर वन जार फोर 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 जार सिक्सटीन तो आपके पास क्या हुआ थ्री फोर जार ट्वेल्व ओवर वन सो so, आपके पास ट्वेल्व पीसेस होंगे उसके पास इतनी लेंथ के वन ओवर सिक्सटीन लेंथ के हर पीस की लेंथ अगर वन ओवर सिक्सटीन हो तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस ट्वेल्व पीसेस होंगे इसी तरह आपने अपनी बुक की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है अब आ जाए नेक्स्ट ये वर्कशीट है आपकी टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल वेल है रूल आपने वही अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया है और क्लास में यह कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करनी है कैसे रूल मैंने आपको जो बताया है वैसे ही आप कीजिएगा ओवर मल्टीप्लाई का साइन लगाए यह डिविजन को आपने मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है और जो नेक्स्ट उसके बाद फ्रैक्शन आती है उसका रेसिप्रोकल राइट कर देना है तो आपके पास ये बन गया तो देन आपने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देना आपस में और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर देन अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको मिक्स नंबर में राइट कर दें ये सारी शीट आप लोगों ने कंप्लीट करनी है इसी मैथडोलॉजी के तहत तो स्टूडेंट्स अब आ जाए आज हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी क्या सीखा एक मैंने दरमियान में क्वेश्चन बताया था लेक्चर के वो क्या था मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो जाए तो वो फ्रैक्शन क्या बनेगी उसका रिजल्ट क्या आएगा ये मैं अभी अब बता देता हूं अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो आ जाए वो अनडिफाइंड होगा या उसको इंफिनिटी लिख देते हैं या अनडिफाइंड ये आपने याद रखना है आज का जो हमारा एस एल ओ था वो ये था कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय एन अदर फ्रैक्शन इन्वॉल्विंग प्रॉपर फ्रैक्शन दिस वाज आर एस एल ओ इसको हम लोगों ने कंप्लीटली स्टडी किया एंड देन सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यहां पर एक जो वुड कटर था या वकार था वो कट कर रहा था लार्ज पीस ऑफ वुड को इनटू स्मॉल पीसेस और वहां पर हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ पीसेस फाइंड करने थे तो अब आ जाए नेक्स्ट आपने क्या करना है आप लोगों ने हर इंडिविजुअल ने एक एक फ्रैक्शन सोचनी है टू फ्रैक्शंस राइट करनी है रैंडमली कैसे जिस तरह मैं यहां पर राइट करता हूं थ्री ओवर फोर डिवाइडेड बाय वन ओवर थ्री इसके ऊपर डिवाइड कर दें इसी तरह आप लोगों ने टू फ्रैक्शन सोचनी है और सोचकर राइट करनी है और उनको डिवाइड करना है बाय अप्लाइंग द रूल्स और फिर अपने टीचर को चेक करवाना है तो स्टूडेंट्स अब आ जाए होमवर्क की तरफ होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है अप्लाई द रूल रूल्स टू डिवाइड द गिवन फ्रैक्शन एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स कंप्लीट द एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर फोर्टी एट देन क्वेश्चन वन वन के इतने पार्ट आपने ये सारे कंप्लीट करने हैं वन सेवन एंड नाइन ऑफ एक्सरसाइज थ्री सी और ये आपके पास एक्टिविटी है इसको आपने कंप्लीट करके अपने टीचर को अपना होमवर्क सबमिट करना है स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है लेसन प्लान एक्स्ट्रा एक्टिविटीज And then PowerPoint presentations about the lessons. The so students, thank you very much. Inshallah, we will see in our next lesson. Tabta kiliye Allah Hafiz.